तो भाई ये है अपनी सुपर स्प्लेंडर एस्टेक। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्रे कलर है और यहाँ पे आपको रेड कलर है। सुपर स्प्लेंडर एस्टेक की बात करें भाई, तो ये तीन कलर ऑप्शन में मौजूद है। हीरो मोटर का इसे तीन कलर ऑप्शन में दे रहा है, दो मैंने आपको दिखा दी, एक ब्लैक हो जाता है। तो सेम चीज़ आपको मिलने वाली है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में बात करूँगा इसके चेंजेस के बारे में। अगर चेंजेस के बारे में बात करें भाई, इग्निशन को ऑन करते ही यहाँ पर आपको डीआरएल मिलेंगे, और डीआरएल की विजिबिलिटी वगैरह चेक करो यार, अभी डे का टाइम है, कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फेंडर देखोगे यार, तो कलर के हिसाब से चेंज किया गया है, तो फेंडर वगैरह काफ़ी ज़्यादा मतलब एक यूनिक सा आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिलेगा, हाई बीम लो बीम यार पास वगैरह मैं चेक कराता हूँ आपको, तो पास देखो कुछ इस टाइप से इसमें काम करेगा। और हाई बीम लो बीम की बात करूँ भाई, तो ये देख सकते हैं आप, हाई बीम लो बीम कुछ ऐसे जो है आपको दिखाई देगा। इसके बाद अगर बात करेंगे टायर वगैरह साइज की, तो बिल्कुल सेम ऑफर कर रहा है हीरो मोटो का। आप यहाँ पे 80x100 का टायर मिलेगा, 18 इंच के अलाइवल्स मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर ऑफर करेगा, 240 mm का यहाँ पे डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे, टेलीस्कोपिक यूनिट। और अगर ड्रम ब्रेक की बात करूँ, तो सेम चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको ऑफर किया जा रहा है टेलीस्कोपिक यूनिट के साथ में। टायर का साइज बिल्कुल सेम ही है 80x100 का, 18 इंच के अलाइवल्स के साथ में। अब ये तो होगी भाई फ्रंट डिजाइन की बात। फ्रंट डिजाइन आपको कुछ ऐसा दिया गया है, इंडिकेटर में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। यहाँ पे एलईडी बल्ब जरूर दे दिया गया है और साथ में डीआरएल आपको मिल जाते हैं। अगर इसका साइड लुक से बात करेंगे भाई, तो साइड लुक आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक सा कर दिया गया है। फ्यूल टैंक पर देखोगे, तो फ्यूल टैंक पर आपके सुपर स्प्लेंडर की 3D लोगो मिल जाएंगे। टॉप से डिजाइन कुछ ऐसा लगेगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको क्रोम वगैरह मिलेगा साथ में, एक्सटेक की बैजिंग दिखेगी। ग्राफिक कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद अगर इंजन की बात करें भाई, तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। 124.7 सीसी का आपको एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है भाई 10.7 bhp की। और अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ, तो 10.6 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। 5-स्पीड गियर बॉक्स से ये बाइक लैस है, और उसके बाद साइड स्टेन कट ऑफ सेंसर भी इस बाइक में आपको मिल जाता है। चैन कवर वही आपको फाइबर में मिलेंगे, यहाँ पे आपको लेडी फुटरेस्ट ऑफर किए जाएंगे। अब सबसे मोस्ट चेंजेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे मोस्ट चेंजेस की बात करें भाई, तो इसके मीटर कंसोल में आपको मिलेगा, जो मीटर कंसोल है पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया गया है। सेम स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वाला मीटर कंसोल इसमें दिया गया है, जिसमें आपको टाइमिंग वगैरह बताएगा, ट्रिप मीटर की डिटेल चेक कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, कॉल SMS अलर्ट की सुविधा आपको इस बाइक में मिलने वाली है, फ्यूल इंडिकेटर शो करेगा, साथ में चार्जर पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप फोन वगैरह जो है अपने चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको IFS की टेक्नोलॉजी मिलेगी, पावर स्टार्ट, यहाँ पे आपको पास, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, मीटर कंसोल में चेंजेस है, और इसके जो है ग्राफिक वगैरह को चेंज किया गया है। सीट हाइट की बात करें भाई, तो 790 mm की इसमें सीट हाइट मिलेगी, यहाँ भी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और इसमें एक चेंजेस और है भाई, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा और क्या चेंजेस है। सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक जो दिया गया है भाई, जो पहले साइलेंसर आप देखते थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटा साइलेंसर आपको दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे साइलेंसर को थिन कर दिया गया है, यानी पतला कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती थी, तो हीरो मोटो का आपने इस कंप्लेंट को तो दूर कर दिया, इसमें कोई भी शक करने वाली बात नहीं है। अगर रेड कलर के फ्यूल टैंक की बात करें भाई, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, क्योंकि रेड कलर एक अलग सा कलर हो जाता है। यहाँ पे भी आपको सुपर स्प्लेंडर की 3D लोगो मिलेंगे, एक्सटेक की बड़ी बड़ी सी बैजिंग दिखेगी, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 है, यानी ये BS7 आप इसे कह सकते हो, BS6 का फेज 2 कह लो, BS6 का वर्जन 2 कह लो। तो इंजन भी चेंजेस किए गए हैं, BS6 का फेज 2 आ चुका है। तो BS6 में क्या था कि भाई 10% एथेनॉल के साथ गाड़ी चल जाती थी, लेकिन BS6 फेज 2 में ऐसा होगा कि आप इस गाड़ी को 20% एथेनॉल के साथ चला सकते हो, जिससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, साथ में आपको माइलेज ज़्यादा मिलने वाली है। तो बस सुपर स्प्लेंडर में यही तीन चेंजेस थे। अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इसकी प्राइजिंग के बारे में, कि अगर आप इसका ड्रम ब्रेक वर्जन परचेज करते हो तो कितने ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगी, और अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वर्जन परचेज करते हो तो कितने ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगी। तो भाई अब लास्ट बात करते हैं इसके प्राइसिंग वगैरह की। तो अगर प्राइस की बात करें, तो ये इसका जो ड्रम ब्रेक वर्जन है, अगर इसके एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 83,368 रुपये हैं, और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 98,000 में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। और अगर डिस्क वर्जन की बात करें, तो इसका जो एक्सोरूम प्राइस है 87,268 रुपये है, और ये गाड़ी आपको 1,02,000 रुपये कैश प्राइज में मिल जाएगी।
आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपए देके बड़े आराम से फाइनेंस करा सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप शोरूम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शोरूम सिंगला ऑटो नीट जो मैंने आपको बता दिया, और कॉल करके और अपनी चीजें पता कर सकते हो, गाड़ी के बारे में जान सकते हो, उसके बाद फाइनेंस वगैरह के बारे में जान सकते हो। तो बहुत सारे ऑफर भी चलते रहते हैं, हो सकता है आपको कुछ ऑफर भी मिल जाए, शोरूम विजिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी यार, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।